They say love is free, but it's more than you can see. It's a song, it's a melody, it's the beat of you and me. It takes more than words to know. It takes more than bills to show. अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आज मैं आपके लिए केक की रेसिपी लेके आई हूँ, कैस्टेला केक। और ये केक बहुत फेमस है और बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है, सो आप ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले मैंने अवन को 160 डिग्रीज पे प्री हीटिंग के लिए ऑन कर दिया है। और अभी मैंने डाला है एक बोल में ऑयल और साथ में मिल्क। मिल्क शुड बी एट रूम टेम्परेचर। इसको मैंने जस्ट हल्का सा मिक्स किया है और इसके बाद हम इसमें अब ऐड कर देंगे ऑल पर्पस फ्लावर, जो मैदा होता है। तो बस इसको अच्छी तरह से मैं विस्क कर लूँगी ताकि किसी भी तरह के कोई लम्स ना इसमें रहें। इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसको मैंने अच्छे से विस्क कर लिया है। और हमेशा बेकिंग के लिए मैं मेजरिंग कप्स और स्पूनस ही यूज़ करती हूँ। आम चम्मच और कप यूज़ करने से रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो मैंने 4 एग्स भी फ्रिज से निकाल के रख दिए थे और अब उनको मैं योक और एग वाइट सेपरेट कर लूँगी। जो एग योक्स हैं वो तो बैटर में यूज़ हो जाएंगे, लेकिन जो एग वाइट्स हैं उसका पहले हम विस्क करके मेरेंग बनाएंगे। सो इसलिए कि बहुत ही ज़रूरी है कि एग योक का एक ज़रा सा डॉट भी जो है ना वो एग वाइट में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। अगर आपके पास योक सेपरेटर है तो वो आपकी लाइफ इजी कर देता है, आप उसको यूज़ कर लें। और मेरे पास था लेकिन मुझे याद नहीं था तो मैं स्पून यूज़ कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे कि उसी बैटर में 1 by 1 एग योक डालते जाएंगे और विस्क करते जाएंगे ताकि अच्छी तरह से कंबाइन हो जाए। बहुत इजी सी रेसिपी है और बेकिंग पाउडर का भी इसमें यूज़ नहीं होता, बहुत ही टेस्टी होती है। टेस्ट भी अच्छा है और टेक्सचर तो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये जनाब सारी एग योक सब इसमें जा चुकी हैं, अच्छे से इनकॉर्पोरेट हमने कर ली हैं। अब ये हमारा मेन बैटर तैयार हो गया, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। इक्वल पार्ट्स हैं, एक होगा हमारा वेनिला पार्ट और एक होगा हमारा चॉकलेट पार्ट। अब ये एक पार्ट में मैंने डाल दी है कोको पाउडर और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस विस्क करना आपने, इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक मिक्सर की ज़रूरत नहीं है, जस्ट विस्क करें और ये डन हो गया। और दूसरा जो बैटर है उसमें हमने वेनिला पाउडर डाल दिया है। आपके पास वेनिला पाउडर नहीं है तो लिक्विड वेनिला डाल दें। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस ये हमारे 2 बैटर्स रेडी हो गए। अब हमने क्या करना है कि जो एग वाइट्स है ना उसको हमने बीट करना है, उसका मरेंग बनाना है और इन दोनों बैटर्स में आधा आधा मिक्स कर देना है। सो मैंने 4 एग वाइट्स ले ली हैं, उसमें मैंने डाला है सॉल्ट और लेमन जूस और इसको अब मैंने विस्क करना शुरू कर दिया है। ये आप हैंड से भी कर सकते हैं लेकिन बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक मिक्सर का यूज़ किया है। इसको हम इतना विस्क करेंगे कि इसकी सॉफ्ट सी पीक्स बन जाएं। सॉफ्ट पीक्स वो होती हैं कि जब आप इसको चेक करते हैं ना, क्रीम या मरेंग जो भी आपने बनाया हो, तो उसकी पीक्स जो है वो गिरना शुरू हो जाती है वापस। अब इसमें मैंने डाल दिया पाउडर्ड शुगर। अगर आप चाहें तो दूसरी चीनी भी डाल सकते हैं, टेबल शुगर, लेकिन उसके लिए फिर बहुत टाइम आपको विस्किंग करनी पड़ेगी जब तक कि वो शुगर अच्छी तरह से इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए, डिजॉल्व हो जाए। तो इसलिए मैं पाउडर्ड शुगर डाल लेती हूँ। आम चीनी को आप पाउडर बना के डाल सकते हैं। तो ये देखें, अब इतनी मैंने इसको विस्क किया है कि इसकी स्टिफ पीक्स बन गई हैं। ये देखें अपनी शेप होल्ड कर रही हैं इजीली। तो ये हमें चाहिए इस टाइम पे। ये हमारा मरेंग रेडी हो गया। अब
अब आते हैं जी फन पार्ट की तरफ। जो मेरेंग हमने बनाया है उसमें से हाफ हम डाल देंगे चॉकलेट बैटर में और हाफ हम डाल देंगे वेनिला बैटर में। पहले मैंने चॉकलेट बैटर में डाला है और इसको मैं स्पैचुला की हेल्प से फोल्ड कर रही हूँ। इस टाइम पे आपने इसको विस्क नहीं करना या फॉर्क लेके मिक्सिंग नहीं करनी या फिर ये जो इलेक्ट्रिक मिक्सर होता है वो भी यूज़ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ स्पैचुला यूज करना है। अदरवाइज क्या होगा कि ये जो मेरेंग है इसकी सारी जितनी एयर इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है तो ये सारी निकल जाएगी, ये डिफ्लेट हो जाएगा। अब ये बाकी का मेरेंग हमने हाफ जो था वो इसमें डाल दिया और इसको भी हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। इस बैटर में हमने बिल्कुल भी बेकिंग पाउडर का यूज़ नहीं किया है क्योंकि इसको जो वॉल्यूम देगा वो सिर्फ ये मेरेंग ही देगा। सो ये बहुत ज़रूरी है कि मेरेंग डीफ्लेट नहीं होना चाहिए, यानी इसकी हवा बिल्कुल भी रिलीज नहीं हो जानी चाहिए। तो ये देखें कितना फ्लफ़ी सा बैटर तैयार हो गया। अब ये जो चॉकलेट वाला बैटर है इसको मैंने डाल दिया है 9 इंच पैन में और इसकी साइड्स पे मैंने ये जो पार्चमेंट पेपर होता है वो भी लगा दिया है ताकि ये केक जो है ये रिमूव करना इजी हो। और अब मैं थोड़ा थोड़ा सा स्पूनफुल सा जो मिक्सचर है ना ये वेनिला वाला बैटर इसको मैं डाल रही हूँ। अगर मैं एक साथ सारा डाल दूंगी ना तो वो नीचे बैठ जाएगा और फिर केक की शेप ख़राब हो जाएगी। मेरा यहाँ पे पर्पज़ ये है कि लेयर जो चॉकलेट की है उसके ऊपर इवनली वेनिला की लेयर लगे। सो थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा बैटर डाल दिया है, इसको हम इवन आउट कर लेंगे। तो अब हम एक ले लेंगे आइसक्रीम स्टिक, या अगर आपके पास वो नहीं है तो आप एक स्पून भी यूज़ कर सकते हैं और इससे ये देखें ये वेव्स वाला पैटर्न मैं बना रही हूँ। इससे केक बहुत क्यूट लगता है, लेकिन अगर आपने ये नहीं बनाना तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। बस लास्ट में चॉकलेट चिप्स इसके ऊपर मैं प्लेस कर दूंगी बड़ी जेंटली, क्योंकि अगर एकदम सारे इसके ऊपर रख दिए ना तो ये फिर अंदर चले जाएंगे बैटर के, जो हम नहीं चाहते हैं। बस ऊपर टॉप पे हमने अरेंज किए हैं और 160 डिग्रीज पे एक घंटे के लिए मैं इसे बेक होने के लिए रखूंगी, सिर्फ लोअर रॉड पे, अपर रॉड पे नहीं। ये मैंने वाटर बाथ क्रिएट किया, एक ट्रे में मैंने 1 सेंटीमीटर तक लेवल तक पानी डाला है और उसके अंदर मैंने ये बेकिंग टिन रखा है। इसका पर्पज़ ये होता है कि केक को हाइड्रेशन मिले, स्पेशली जिसमें मेरेंग बनाया होता है या चीज़ केक्स होते हैं उसमें वाटर बाथ में बेक करते हैं तो फिर टॉप क्रैक नहीं होता। और ये देखें 60 मिनट से 70 मिनट्स भी आपको लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर ओवन। तो 60 मिनट्स में मेरा केक रेडी हो जाता है, ये कैस्टेला केक। और इसमें से कुछ चॉकलेट चिप्स जो है ना वो अंदर चले गए थे, डूब गए थे, तो मैंने इनके ऊपर दोबारा से लगा दिए क्योंकि केक गर्म था तो इसलिए वो इसके ऊपर अच्छे से मिक्सअप हो गए थे बाकियों के साथ ही, सेम ही लग रहे थे। तो इसको मैंने ठंडा होने दिया था पैन में ही और उसके बाद अब मैं ये जो बटर पेपर है इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। तो ये देखिए कितना क्यूट सा पैटर्न आया है, विद द डिफरेंस के ये जो साइड पे थोड़े से चॉकलेट चिप्स थे वो नीचे चले गए हैं। तो ये केक हमारा रेडी हो गया है, बहुत फ्लफ़ी स्पंजी सा ये केक होता है और मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग बहुत हैप्पी हो जाएंगे कि मैंने उनसे अपने वे में कैस्टेला केक की रेसिपी शेयर की है। आप ये बनाएं फूल प्रूफ रेसिपी, आपको इतना मज़ा आएगा और ये रेसिपी बनाना अपने आप में बहुत मज़े की चीज़ है। तो ये अब है जी तकरीबन 2 दिन बाद की वीडियो, यस आई थिंक, क्योंकि मैंने जब ये केक बनाया था ना तो उसके बाद हमें खाने का ये मौका ही नहीं मिला था, बस ये फ्रिज में पड़ा हुआ था। तो मैंने फिर इसको निकाला है माइक्रोवेव में, मैंने इसको रखा है 40 सेकेंड्स के लिए, तो दोबारा से ये सॉफ्ट हो गया। क्योंकि आपको पता है कि जो भी चीज़ें केक वगैरह या जो भी इन जनरल आप फ्रिज में रखते हैं ना वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं, तो इसको बहुत हीट अप मैंने नहीं किया, जस्ट मैंने 40 सेकेंड किया और ये देखें कितना सॉफ्ट और माशाल्लाह से स्पंजी केक है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखें जी ये इसका व्यू है अंदर से, यही रीज़न है कि मैंने जो बैटर था वेनिला का वो बहुत केयरफुली उसके ऊपर मैंने रखा था। और ये देखें ये अब मैं आपको इसका टेस्ट दिखा रही हूँ, टेस्ट करके दिखा रही हूँ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। आजकल मौसम भी ठंडा ठंडा है, उसमें ये गर्म गर्म सा केक आप चाय या कॉफ़ी के साथ इंजॉय करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। घर पे कोई गेस्ट आए हों तो भी आप उनको भी ये केक सर्व कर सकते हैं।
बस आपने बैटर्स बनाने हैं, मिक्स करने हैं और रख देने हैं, और अपने आप में इतना ब्यूटीफुल लगता है ये केक कि कोई भी देखेगा तो ये सोचेगा कि ये बनाया कैसे और इसमें कितना टाइम लगा होगा। कोई टाइम नहीं लगता मिक्सिंग में, जस्ट बेकिंग में 1 आवर है, और वो भी आपने इसको रख के भूल जाना है। केक रेडी हो गया था और तिहामी भी केक ले गया था, मैंने तो आपके सामने ही खड़े होकर खा लिया जल्दी जल्दी से, क्योंकि मुझे अभी डिनर करना था तो। लेकिन मैंने रेसिपी बना ली हुई थी और वीडियो कंप्लीट करने के लिए इसका जो टेस्ट करके दिखाना था मैंने आपको, वो ज़रूरी था और वो रह गया था, तो मैंने जल्दी जल्दी ख़त्म कर लिया। और उसके बाद शहजाद ने बाकी लिया था कॉफ़ी बना के, और मिशारी जो है वो एज़ यूजल दोबारा से आ गया है चॉकलेट चिप्स लेने के लिए, इसको बहुत पसंद है। और ये सेमी स्वीट चॉकलेट चिप्स हैं हर्शीज़ के, और इसको बिल्कुल भी बिटर नहीं लगते और शौक से खाता है, इसके सारे शौक मेरे वाले हैं। तो ये था नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट, और मैं बना रही थी पोटैटो पैटीज, सिंपल वाले पोटैटो पैटीज बना रही हूँ, क्योंकि मैंने हैश ब्राउन्स मुझे बहुत दिल कर रहा था खाने का, लेकिन उसमें तो अनियंस भी होते हैं, ग्रेट करके मैं डालती हूँ, लेकिन अनियंस का भी मैं लिक्विड सारा का सारा स्क्वीज आउट करती हूँ, पोटैटोज का भी, और वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, पहले ठंडे पानी में रखने पड़ते हैं और वो सारा, आपने मेरी रेसिपी देखी होगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि कुछ भी ऐसा नहीं किया, जस्ट पोटैटोज को ग्रेट किया, उसके अंदर नमक डाल दिया है, ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, गार्लिक पाउडर डाला है, और साथ में कॉर्नफ्लावर डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। इससे क्या होगा कि जो हैश ब्राउन्स होते हैं ना वो बहुत क्रंची होते हैं, लेकिन ये जो है चूंकि इसमें लिक्विड अवेलेबल है, इसका प्रेजेंट है, तो इस वजह से ये बिल्कुल भी क्रंची नहीं होंगे, लेकिन बहुत मज़े का टेस्ट ज़रूर देंगे। और ये चूंकि मैंने खड़े खड़े डिसाइड किया था कि मैं इनको इसी तरह बनाऊंगी, तो मैंने इनका खुद ही से नाम रख दिया है सिंपल पोटैटो पैटीज। बहुत सारी रेसिपीज हैं जो मैं खुद ही बनाती रहती हूँ खड़े खड़े, और आप लोग ट्राई करते हैं, आपको बहुत अच्छी लगती हैं। तो एनीवेज, यहाँ पे मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल की हेल्प से वॉफल मेकर को, और इसके अंदर मैंने ये बैटर डाल दिया। अगर आपके पास वॉफल मेकर नहीं है तो आप आराम से इसको किसी भी पैन में या तवे पर बना सकते हैं, आराम से ऑयल ड्रिजल करें और उसके ऊपर थोड़ा सा स्पूनफुल डाल दें और उसको बस थोड़ा सा फ्लैटन कर दें स्पून से, उसका पैटी सा बना दें। जब तक वो कुक हो रहे थे पोटैटो पैटीज, तब तक मैं जूस बना रही थी। ऑरेंजेस मेरे पास काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे और मैंने सोचा था कि इनका जूस बना लूँ, कोई नहीं खा रहा, तो अब फाइनली मैंने इनका फिर जूस बना लिया। तो ये देखिए ये रेडी हो गए, ये बिल्कुल भी क्रंची आपको टेक्सचर फील नहीं हो रहा, देखें ये बेंड हो जाते हैं, जिस वक्त हम हैश ब्राउन्स बनाते हैं उनकी क्वालिटी ही ये होती है कि वो फुल ऑफ क्रंच होते हैं और मज़ा आ जाता है उनकी बाइट लेने का, लेकिन ये है कि ये वाले सॉफ्ट वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत मज़े के हैं, और ब्रेकफास्ट बड़ा फुलफिलिंग हो जाता है। तो चूंकि वॉफल आयन हीट अप हुई हुई थी तो मैंने सोचा कि चलें जी अंडे जो फ्राई करने हैं ना वो भी इसी के ऊपर कर लेते हैं, तो योक जो है वो तो मैं सेव नहीं कर पाऊंगी, लेकिन सैंडविच में डालना है तो मुझे फिर रनी योक चाहिए भी नहीं। मैंने इसके ऊपर डाले हैं एग्स, ग्रीस कर लिया था मैंने वॉफल आयन को, और सॉल्ट एंड पेपर डाला है, और बस इसको मैंने कुक होने के लिए रख दिया है। उतनी देर में मैंने ली है जी ब्रेड, और इसके ऊपर मैंने डाली है केचप। कुछ लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि जी आप बहुत ब्रेड खाती हैं, तो जी मैं बिल्कुल बहुत ब्रेड खाती हूँ, हमें ब्रेड बहुत पसंद है, इसका सिंपल आंसर यही है। कुछ लोग कहते हैं हेल्दी नहीं है, ये नहीं वो नहीं, तो मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि जी मेरा बहुत हेल्दी लाइफ स्टाइल है। वी आर बेसिकली अ फूडी फैमिली एंड वी लव टू ईट एंड इन्जॉय फूड, सो अपनी हेल्थ का भी साथ साथ ख्याल रखते हैं और साथ साथ हम लोग हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह इन्जॉय करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ केचप अप्लाई की थी ब्रेड पे, और इसके ऊपर मैंने रख दिया था एक जो पोटैटो पैटी है और साथ में एक एग, और सैंडविच रेडी हो गया था। तो ये ऑरेंज जूस भी रेडी हो गया है सारों के लिए। तो ये अब बन रहा है मेरा सैंडविच लास्ट में, क्योंकि वो सबने दो दो सैंडविच खाने थे तो उनको मैंने दे दिए, और दूसरे बैच में जो है वो फिर मैंने अपने लिए और रिमेनिंग जो है वो शहजाद के लिए बनाया। बहुत सिंपल रेसिपी है लेकिन बिलीव मी बहुत मज़े की बनती है। ये लास्ट में मैंने केचप थोड़ी सी इसके ऊपर ड्रिजल कर दी और साथ में चिली सॉस, और ये सैंडविच मेरा रेडी हो गया है। और ये ऑरेंज जूस की हमेशा कुर्बानी मेरे लिए रह जाती है, क्योंकि जो भी लेफ्ट ओवर होता है थोड़ा बहुत वो मैं ले लेती हूँ। तो ये हमारा सैंडविच है, ये इसकी लुक है, और ये जो एक पोटैटो पैटी रह गया था ये मैंने वैसे अपने साथ रख लिया खाने के लिए।
ब्रेकफास्ट बहुत मज़े का था, फुलफिलिंग था। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग कार में ही बाहर घूमने निकल गए थे, क्योंकि आजकल बहुत विंडी वेदर हुआ हुआ है और विंड्स भी ऐसी हैं कि खौफ आता है बजाय इंजॉयमेंट के। लेकिन हम देखने गए सी साइड पे, इंजॉय करने गए ठंडी हवा को, लेकिन वहाँ पे तो सी स्टॉर्म आ रहा था और पुलिस ने सारे लोगों को वहाँ से वापस भेज दिया। तो हम लोग भी आ गए, चिकन मैंने डिफ्रॉस्ट करने रखा हुआ था, तो इसलिए मैं इसको रात में फिर बनाने खड़ी हो गई। यहाँ पर मैंने ऑयल में डाला है जी चिकन, साथ में सॉल्ट, बे लीव्स, साथ ही इसमें हम डाल देंगे गार्लिक बल्ब्स 5 डालेंगे हम। और इसके बाद हम चिकन को, इतना तेज आग है ये, फुल फ्लेम पे हम इतना कुक कर लेंगे कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। और ये बल्ब जो है ना, ये मैंने अच्छी तरह से वॉश किए हैं और मेक श्योर कि इनकी पील रपच्चर ना हो, बिल्कुल इंटैक्ट हो, नहीं तो क्या होता है कि अंदर भी डर्ट हो सकती है। इसलिए बिल्कुल इंटैक्ट हों तो आप अच्छे से वॉश करके उनको रखते हैं। उतनी देर में मैंने यहाँ पे ब्लेंडर में डाले हैं अनियंस, टमेटोज, ग्रीन चिलीज, फ्रेश कोरिएंडर, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, एंड साथ में ये हैं कोरिएंडर सीड्स और क्यूमिन सीड्स और साथ में फेनल सीड्स, ये जो सौंफ होती है। इसके साथ ही इसमें जाएगी जी योगर्ट, साथ में इसमें हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर और गरम मसाला। बस उसके बाद हम इसको ब्लेंड कर देंगे, ब्लेंड हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लें। और इसको देखिए हम तेज़ फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन कर रहे हैं ताकि ये चिकन ज़्यादा अपना लिक्विड रिलीज ना करे। अगर हम स्लो फ्लेम पे करते हैं ना तो फिर सारा उसका मॉइस्चर जो है ना वो निकल जाता है और फिर चिकन ऐसे इतना अच्छा नहीं पकता फिर। तो ये मैंने क्या किया है कि जी अब इसमें पेस्ट मैंने ऐड कर दी है और बस ये 2 स्टेप्स हैं और चिकन कढ़ाई जो है ना, ये वाली गार्लिक वाली, ये रेडी हो जाती है। अब इसको मैंने बॉईल आने दिया तेज़ फ्लेम पे और अब मैंने फ्लेम लो करके इसको मैंने 20 से 25 मिनट्स के लिए कवर करके पकने के लिए रख दिया है। और उतनी देर में ये ऑयल जो है वो टॉप पे आ गया है, तो द डिश इज़ रेडी। इसको कैसे हम खाते हैं और गार्लिक बल्ब हम यूज़ करते हैं या नहीं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो चैनल पे बहुत से लोग नए होते हैं, मैंने ये रेसिपी तकरीबन 2 ईयर्स पहले हायल में बनाई थी सऊदी अरब में, उसके बाद मैंने ये कभी भी नहीं बनाई। इनफैक्ट हर वक्त नई चीज़ें आपसे मैं शेयर करती रहती हूँ तो पुरानी रेसिपीज़ रिपीट करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो बहुत से लोग चैनल पर नए होते हैं और बहुत से लोग ये रेसिपी भूल चुके होंगे, तो चलें आपके लिए एक ये इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी, तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। अगर आप गार्लिक के शौकीन हैं तो आपको बहुत मजे का लगेगा। और चूंकि ये गार्लिक जो है ना वो टूटे हुए नहीं है, तो इस वजह से इनका फ्लेवर निकल के चिकन में ऐड नहीं होता, तो इस चीज का भी ज़हन में डर बिल्कुल नहीं रखना। और दूसरी बात ये कि ये चिकन कुक करते हुए ना आपने बहुत ज्यादा बार बार चम्मच नहीं हिलाना।